बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ। सखी जीवन हमारा, ए सखी जीवन हमारा। श्री महामती कहे ए मोमिनो, भया चर्चा का अब तुम सुनियो चित दे। लाल आगे आए बैठे इना तखत, लाल आगे आए बैठे इना तखत। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे। महामती कहे ए सयनो, ये छठे पहर की बीतक, अब कहूँ पहर सातमा जैसी सोहबत हक, जैसी सोहबत हक। अब रात पहर दो गई, दामधनी अक्षरातीत बितक साहेब के घटनाक्रम का वर्णन करवा रहे हैं। आज 1 महीने से ज़्यादा ऊपर 2 दिन पूर्ण होने वाले, आज दोपहर समाप्ति का दिन है। धामधनी की असीम मेहर, असीम कृपा से बितक साहेब के घटनाक्रम का वर्णन सुनने का हमको जो अवसर मिला, ये धामधनी की विशेष मेहर हुई हमारे पर। हम अपनी खुदी लेकर कभी भी ब्रह्मवाणी, ये अखंड वाणी सुनी नहीं सकते। धामधनी की हमारे पर पल पल, जब से हम ब्रज में आए तब से लेकर आज दिन तक ये मेहर अविरत बरस रही है। और कल के घटनाक्रमों को जोड़ते हुए, कल हमने 5वां और 6ठा पहर देखा। अंतिम 6ठे पहर में परमधाम के 25 पक्ष की लीला ये 25 पक्ष की लीला में हम धनी ने हमारी आत्मा को विचरण करवाया। बार बार ये परम धाम का वर्णन और आज भी 8वें पहर में भी सुनेंगे आप। बार बार हमारी आत्मा को लेकर परमधाम की 7 परिक्रमा के अंदर 25 पक्ष को वर्णन का सुख दिया। और अब हर 7वां और अंतिम चौपाई में धामधनी ने बताया, और इससे अगले की चौपाई में कि जब चर्चा समाप्त होने के बाद धामधनी पलंग पर लेटते हैं। अभी 6ठे पहर में धामधनी पलंग पर लेटे नहीं, लेकिन ये अंतिम चौपाई में बताया कि अब 7वें पहर में धामधनी पलंग पर लेटेंगे। यहाँ बता दिया लेटते हैं, और बाद में जो जो सुंदर साथ किए सेजिया उठाने की सेवा है, सब सुंदर साथ ने सीधे गद्दे चादर रजाई ये सब उठा लिया। और आगे अंतिम चौपाई में बताया कि हे सुंदर साथ जी, ये धामधनी की असीम कृपा से हमने 6ठे पहर तक की ये प्रेम भरी अनंत प्रेम से भरी हुई ये आनंदमय लीला को आपने 6 पहर तक सुना। अब आगे आप श्री जी के साथ सुंदर साथ की अभी 7वें और 8वें पहर में क्या ब्रह्म लीला होती है ये आप आगे सुनिए। तो 7वें पहर में अब रात पहर 2 गई, पहर 4 दिन 2 रात, उपरांत पहर 7वां कहो ताकि विख्यात। यहाँ धामधनी अक्षरातीत महामती के स्वरों में कह रहे कि अब दिन का 4 पहर बीत चुका और रात्रि का भी 2 पहर 6 से 9 और 9 से 12, तो यहाँ 12 बज गए। और रात्रि के 7वें पहर 12 से 3 बजे तक धामधनी के साथ हमारे सुंदर साथ की क्या क्या लीला हो रही है ये आगे धामधनी वर्णन कर रहे हैं। तो सबसे प्रथम श्री जी जब अभी लेटने के लिए अपनी सेज्या पर जाएंगे तो गद्दे चादर या रजाई ये सब जो बिछाने की सेवा का जो वर्णन है ये वर्णन सुंदरसा जी हमने पहले पहर जब सर्दी की ऋतु प्रारंभ हुई तब हमने विस्तार से सुन लिया। पहले पहर में ये सेज जो सुंदर बिछाई है लाल रंग की, और कैसे ये पलंग की शोभा है, 4 पायों की शोभा, चंद्रवे की शोभा, फुंदन की शोभा, ये सब सुंदरता का वर्णन हमने पहले सुन लिया है। यहाँ धामधनी ये वर्णन फिर बाद में दोबारा बता रहे हैं कि रात्रि के समय पौढ़ने के समय जो सुंदर साथ जो प्रेमदास द्वारकादास ये सब जो सेज की सेवा करते हैं सबका नाम बताते हैं। और अंतिम बताया कि विश्वंभर भाई जो विश्वंभर जी थे उसका क्या भाव रहता था कि अरे मेरे धामधनी ये सेजिया पर लेटने के लिए सोने के लिए जा रहे हैं, उसी पर कोई कूचे या तिनके तो नहीं है न, क्योंकि मेरे धामधनी लेटने वाले हैं। ये अक्षरातीत प्रियतम प्राणनाद, तो उसी को कोई तिनका कूचा हो तो पीठ के पीछे या हाथों में स्पर्श ना करे। तो कैसे दिल में अनंत प्रेम भरकर दिल में भाव भरकर विश्वंभर जी बार बार ये सेज पर हाथ घुमा रहे फेर रहे कि कोई तिनका तो नहीं है न। और इसके आगे अभी धामधनी मैंने अगले बताया कि चर्चा करके उठे नहीं है, तो वल्लभदासी आते हैं। कौन आते हैं? वल्लभदासी, और प्रार्थना करते कि धामधनी आपके सोने का समय हो गया, शयन का समय हो गया। प्रार्थना करके क्या कहते हैं कि आप धनी चर्चा को बंद करिए, लेकिन श्री जी चर्चा बंद नहीं करते। फिर चर्चा बस बार बार श्री जी के दिल में, अब हम सब रूहों पर अपने दिल का अनंत प्रेम लुटाने की जो अंदर एक चाहना है, अंदर जो इच्छा है क्या कि बस मेरी रूहों पर मैं अनंत प्रेम लुटाऊं और ये आनंद की लहरों में वो डूब जाए। तो श्री जी के चित्त में बस बार बार चर्चा करने की इच्छा हो रही है और इतने मग्न होकर चर्चा कर रहे हैं और परम धाम की सब रूहों को ये बंगला जी दरबार में प्रेम रस में डुबो दिया है। और सुंदर साथ फिर गंगादास अर्जी करने के लिए आते हैं कि धामधनी में परिवार दोबारा आया हूं अर्जी करने के लिए, आप बस अब चर्चा को छोड़िए। बहुत समय बीत गया, 12 बजे से ऊपर का समय जा रहा है। धामधनी तो धामधनी बस घड़ी घड़ी पल पल परम धाम के वर्णन में 25 पक्ष की शोभा लीला में बस हम सब आत्माओं को डुबो रहे हैं और परम धाम के 25 पक्ष का वर्णन कर रहे हैं। कोई इतने सुंदर साथ अर्जी कर दिए, कौन कौन आए? वल्लभदास, गंगादास, फिर बीच में कोई सुंदर साथ बंगला जी से उठकर कोई प्रश्न लेकर आते कि धनी आपने जो चर्चा की ने अभी 9 से 12 बजे तक, तो ये चर्चा में मेरे को थोड़ा यहाँ संशय बना है, आप ऐसे करें न इस प्रश्न का स्पष्टीकरण करके मेरे हृदय को अंदर से संतुष्टि मिले। तो फिर श्री जी ये प्रश्न लेकर फिर इसका खुलासा करने के लिए फिर बैठ जाते हैं। देखो धामधनी के दिल में कितना लाड है, कितना प्रेम है कि मेरी रूहों को बस ये हक सुराही का साकी पिलावे शराब, साकी पिलावे शराब रूहे प्याले पीजिए, ये हक इश्क का आब जो भर भर प्याले पीजिए। साकी कौन है? धाम के धनी अपने दिल रूपी पात्र से हम सब रूहों को, सुराही क्या कहा? धामधनी का दिल, और हम सब रूहों को धामधनी ये वाणी का सुख पिला रहे हैं, वाणी का प्रेम हमारे दिलों में भर रहे हैं। फिर जब ये सुंदर साथ का जवाब दे देते हैं, फिर एक लालदासी आयत लेके आते, क्योंकि लालदासी ने कल हमने सुना ने कि कुरान हदीसे ये सब पधराए हैं, तो आयत लेके आते हैं। फिर श्री जी फिर आयत का स्पष्टीकरण करते हैं, लालदासी कहते हैं कि आयत पर स्पष्टीकरण करना। तो फिर श्री जी बैठ जाते हैं और फिर कुछ सुंदर साथ अर्जी करने के लिए आते हैं, प्रार्थना करते हैं और धामधनी को ऐसे ही आग्रह हाथ जोड़कर करते हैं कि हे धामधनी बेर पर अबेर भई, चलो ने अब सोने का नाम ही नहीं ले रहे हो, कितने बजे से आप 9 बजे से बैठे हो। सुंदर साथ ये चर्चा और धामधनी की उम्र भी मैंने कल बताई थी, और चर्चा के रस में कैसे डूबो रहे। और सुंदर साथ सुनने वाले भी कौन है? परम धाम के ब्रह्म मुनि। तो धामधनी को अंदर से रस कमी नहीं हो रहा है और सुंदर साथ को भी बस उत्तरोत्तर बढ़ता ही जा रहा है कि नहीं, बस धामधनी ने ये सुनाया, फिर बाद में वो सुनाए, बाद में वो सुनाए। तो यहाँ सुंदर साथ आसपास बंगला जी दरबार में घेर कर बैठ गए हैं और कोई खड़े भी है और आग्रह कर रहे कि हे धामधनी अब आप चर्चा को छोड़ दीजिए। फिर जयंती काका श्री जी ने सब सुंदर साथ आए अर्जी करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। अंतिम बायजूनाथ जी भी सामने बैठकर चर्चा सुन रही थी। उसने देखा कि देखो ना, कभी कभी लालदास जी आ रहे हैं, कब केशवदास जी आ रहे और गोकुलदास जी हदीसा लेकर बैठते, तो सबको देख लिया। किसने? बायजूनाथ जी ने। फिर जयंती काका को इशारे से खड़ा किया कि अरे जयंती भाई, आप ऐसा करो, श्री जी को आग्रह करो, उसको बोलो कि बायजीनाथ जी ने बोला है कि अब चर्चा को छोड़ के विश्राम करे बेर पर। अबेर भाई देखो 12 से 1:30 बजने वाले हैं, लेकिन श्री जी चर्चा ही नहीं छोड़ते। यहाँ बायजीनाथ जी का संदेश आया। फिर श्री जी क्या कहते, अरे सुंदर साथ जी, आप इतनी क्यों जल्द कर रहे हो, मेरे पर विश्वास करो। राज जी क्या कहते, मेरे पर विश्वास करो, मैं अब भी चर्चा छोड़ के शयन करने के लिए आ रहा हूं। इसी समय और सुंदर साथ आसपास में खड़े होकर प्रतीक्षा कर रहे कि बस धनी जल्दी से चर्चा पूर्ण करे और शयन की तैयारी करे, सोने की और जाए। तो यहाँ तब महाराजा छत्रसाल जी आते। कौन आते? महाराजा छत्रसाल जी। फिर श्री जी चर्चा करते हैं, सुंदर साथ सब मौन हो जाते हैं और सब एकाग्र चित्त से चर्चा सुनने लगते हैं। और बार बार जब चर्चा बंद करने की सुंदर साथ ने आग्रह किया ने, तो श्री जी ने क्या सोचा कि चलो सुंदर साथ जी परम धाम चलो, सुंदर साथ जी परम धाम। और परम धाम के अंदर कहाँ चलो? हमारा जो मध्य में पहला पक्ष रंग माहौल बना है, वो रंग माहौल की 5वीं भूमिका जो शयन के मंदिर मध्य के चौक में शयन के मंदिर बने हैं, वो शयन के मंदिर में रंग परवाली मंदिर में अपनी आत्मा का श्रृंगार परातम के स्वरूप में कर कर वहाँ चलो और वहाँ अपनी शयन के ठोर की चितवनी के भाव से श्री जी 5वीं भूम में लेके जा रहे हैं। और अपने दिल में क्या भाव लो कि मैं यहाँ बंगलाजी दरबार में छोटे से गद्दे या यहाँ नहीं सो रही हूँ, मैं तो रंगपार वाली मंदिर में कोई 2 पूड़ा, 3 पूड़ा, 4 पूड़ा हवेली के मंदिर में मैं शयन कर रही हूँ। और मेरे साथ भी धाम के धनी है, मेरे पलंग पे ये भी सोए हुए हैं, ऐसा भाव लो। और धाम धनी 5वीं भूमिका में सबको ले चले। और फिर उसी के बाद वल्लभ दास जी आए। वल्लभ दास जी ने श्री जी को क्या अर्जी की कि हे धामधनी, अब ऐसा करे, अब लेटने का भी समय हो गया है। और सब सुंदर साथ 5वीं भूमिका में अपनी सुरता को पहुंचाया है। सब अपने अपने शयन के मंदिर में जब चले जाएंगे, मैं फिर ऐसा करूँ, अब परम धाम की वृत्ति सुनाऊं। मतलब क्या? परम धाम की वृत्ति એટલે मध्यरात्रि का स्वरूप कहां से? वो भी परमधाम में ही ले जाएगी ना। वृत्त मतलब वर्णन पूरा। वृत्त एक जब केंद्र बिंदु होता है, वहां से जब गोलाकार में घूमते तो फिर केंद्र बिंदु पर आके ही स्थिर हो जाता है। तो यहाँ संध्या समय के बाद जो लीला हमारी प्रारंभ हुई और मध्यरात्रि रंगपरवाली मंदिर में हम जब पहुंचे शयन की लीला में, तब तक का मध्यरात्रि का स्वरूप सुनाओ, ऐसे किसने बोला? वल्लभ दासी ने। धामधनी ने स्वीकृति दे दी कि हाँ ऐसा करो, मध्यरात्रि का आप स्वरूप सुनाओ। तो यहाँ वल्लभ दासी मध्यरात्रि का स्वरूप सुनाते हैं। उसके बाद श्री जी को माणिक भाई के घर लेके जाते हैं हमारे सुंदर साथ। और रास्ते में जो सुंदर साथ पावड़े बिछाने की सेवा करते हैं, वो पावड़े भी बिछाते जाते। और माणिक भाई पहले ही वहाँ पूर्व तैयारियाँ करके रखी है। और आगे जब माणिक भाई के घर श्री जी पहुँच जाते हैं, तो श्री जी को बैठाने की कहा, किस लिए गए श्री जी? देह क्रिया के लिए शौचालय में, तो वहाँ बैठाने की सेवा गौरबाई करती है। कौन करते हैं? रात्रि को भी देखो महिला सुंदर साथ श्री जी को बैठाने की सेवा वो करती है। और जब सुंदर साथ बावड़े बिछाते बिछाते माणिक भाई के घर पहुंचे, वहाँ गौरबाई को धामधनी को बैठाने की सेवा की। और वहाँ जो दिन में बंगलाजी दरबार में 5,000 की जमात थी, तो दिन में कोई कोई सुंदर साथ की आपस की जो बातें हुई है उस सब बात का न्याय धामधनी माणिक भाई के घर पे करते हैं। और कितनी मीठी बातों से धामधनी जवाब देते हैं और सबका वहाँ न्याय होता है। और उसके बाद जब श्री जी फिर बंगला जी दरबार में पहुँचते हैं, श्री जी पधारते हैं, और उसी समय सुंदर साथ भी श्री जी के चरणों में प्रणाम करते हैं और अपनी अपनी शैया पर वो सब सुंदर साथ पधारते हैं। तो सबसे पहले जीव सृष्टि उठी। कौन उठी? आई थी बाद में और उठी भी पहले। जैसे हमारे मुंह में दांत होते हैं ना सुंदर साथ जी, ये दांत हमारे जन्म के 1-1.5 साल बाद में आता है और हम जाए उससे पहले वो दांत चला जाता है। ऐसे जीव सृष्टि की रहनी है कि दांत आते हैं बाद में और पहले चला जाता है। ऐसे जीव सृष्टि आई थी बाद में चर्चा सुनने के लिए और चली पहले। यहाँ धामधनी ने स्पष्टीकरण कर दिया है। और जब धामधनी शैया पर पधारे तो गोदावरी बेन जो पावड़े बिछाने की भी सेवा करती थी और श्री जी को एक कटोरी में तेल लेके श्री जी की सैया पर पधारती है। और श्री जी चोटी बांधते थे तो चोटी खोल के श्री जी के सिर पर तेल लगाती है और राज्य के साथ कैसी मीठी मीठी बातें करती है। क्या करती है कि हे धामधनी, ऐसा तुमने खेल दिखाया है, बस अब हम थक चुके, इतना अंधेर का खेल था ये, बस इस माया से अब जल्दी से निकालो। मीठी बातें भी करती। और दिन को बायजूनाथ जी के साथ वो अपनी निकट रहती थी, तो जो बातें हुई है वो भी रात को जब तेल का मालिश कर रही है तब श्री जी को ये बातें भी बताती है। तो बायजूनाथ जी की बात सुन के श्री जी इतने खुशखुशाल होते हैं। कब? रात्रि को। देखो महिला सुंदर साथ को कैसी शोभा मिली है। और उसी के बाद बिहारी दास अंगीठी लेके एक सगड़ी की तरह मैंने बताया था ना जिसमें कोयले से अग्नि जलाई जाती और वहाँ ये सर्दी की ऋतु की सेवा है ना, अभी गर्मी की पीछे आएगी, तो श्री जी की रजाई चादर गद्दा ये सब फिर तपाते, क्योंकि श्री जी के सोने का समय आ गया, शयन का समय आया, तो यहाँ बिहारी दास अंगीठी लेके आ गए और सब तपा के फिर श्री जी को वहाँ लेटाते हैं। और गोटा कंधपी ये सब गर्म करके श्री जी को रात्रि को पहना देते, क्योंकि श्री जी की उम्र भी हो चुकी है। तो यहाँ सब सुंदर साथ कैसे दिल में प्रेम भरकर सेवा कर रहे हैं। और बाद में मुरलीधर दास भाई की हमने कल चर्चा सुनी थी, कैसे एकाग्रता से नेत्र मिलाकर आसन भी ना हिले, ये मुरलीधर दास भाई की निष्ठा देखकर सब सुंदर साथ प्रभावित होते थे। तो जैसे ही मुरलीधर दास भाई उठे तो सब सुंदर साथ उठ के अपनी अपनी सैया पर पधारते हैं। और सब जब अपनी अपनी सैया पर पधारे तब धामधनी को प्रणाम करके गए। धामधनी के चरणों में और परम धाम की लीला को भी याद किया। इसी समय गाने वाली बारी, मैंने कल विस्तार से वर्णन किया था कि एक एक बारी क्रमशः एक बारी के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, ऐसी 14 बारियां थी वाणी गायन वाली। तो इसी समय रात्रि को 1:30 बजे गायन करने वाली बारी भी आ जाती है। देखो धनी सोएंगे नहीं, ये बारी वाली जो आखी मंडली आई ने उसकी चर्चा सुनेंगे। चर्चा मतलब वाणी का गायन सुनेंगे। एक एक वचन को धामधनी अंदर, ये अंदर सुख रूप वचन को भरेंगे। बस पूरी रात्रि ये सुनते रहेंगे। आगे के 8वें पहर में भी आप देखेंगे कि धनी सोए नहीं है। और 0.7 का एक भाव रहता था। क्या भाव रहता था कि श्री जी के पास में ही, श्री जी के सिरहाने की तरफ, सिर की तरफ बायजूराज जी का भी पलंग बिछाते थे। यहाँ बायजूराज जी साथ में पलंग जो बिछा है वहां सोती नहीं है, लेकिन 0.7 के दिल में एक भावना रहती थी, एक श्रद्धा रहती थी कि चलो बायजूराज जी का भी पलंग साथ में बिछाए। लेकिन बायजूराज जी वहां पहुंचती नहीं थी। और संपूर्ण बंगला जी दरबार सब आसपास में बस सोए है। 0.7 जी मैं चर्चा कर रही हूँ ने, आप बंगला जी दरबार को याद कीजिए, उस लीला में डूबिए। सिर्फ ये श्रवण तक कान में न रखिए, चित्त तक न ले जाइए, बस वही आत्मा के भाव में डूबकर ये सुख लीजिए कि 400 साल पूर्व हमारे धामधनी के साथ हम सब ब्रह्मात्माओं की कैसी एक प्रेम की पराकाष्ठा की, साक्षात परम धाम की 8 पहर की लीला हम ब्रह्मात्माओं के साथ हुई है। फिर आगे धामधनी जब बंगला जी दरबार में सब सुंदर साथ जब अपने शयन के स्थान पर पहुंचे, कोई बैठा है, कोई सोया है, उसी समय क्या लीला होती है। मुरलीधर दास भाई सोया नहीं देखो, और जयंती काका दोनों आपस में चर्चा करने लगे, क्योंकि अंदर से बस एक आग जल रही है धामधनी की, क्या बस वीरों की, कि अरे ये रस को छोड़कर हम कैसे लेटे। कैसा अनंत रस प्रवाहित हो रहा था अभी धामधनी का, वो तो अभी एक यहाँ प्रत्यक्ष रूप में छोड़ दिया, लेकिन दिल में ये सुनने की विरह की अग्नि जल रही है। तो उस दिल को क्या हो रहा है कि नहीं सोना नहीं है। चलो ऐसा करें, धामधनी ने जो चर्चा की ने, उसी चर्चा का कुछ हम फिर आपस में मसलत करके ये सुख ले, और वही सुख में बस सोते सोते मतलब वहां बैठे बैठे यही सुख लिया करें। क्योंकि अंदर से बताया ना कि मोमिन कैसी होती है, बाहर शीतल हो गए लेकिन माहे मिलाप धनी को चाहे। मोमिन की अंदर दिल कैसा होता है कि बाहर और लोगों को दिखाने के लिए वो दिखावा नहीं करेगी कि मैं देखो ये कर रही हूँ, लेकिन अंदर क्या होता है। प्रेमी तो नेचे छिपे उन्मुख बोलियो न जाय, जो कदी मुख थे निक्षे शब्द तो ज्ञानी क्यों समझाए। ऐसी हालत है हमारे मोमिनों की। तो यहाँ फिर मुरलीधर दास भाई जयंती काका आपस में चर्चा करते, और जयंती काका की कोठरी के पास यहाँ आगे 0.7 रात्रि को बस सोने का कोई नाम नहीं ले रहे, जो हमारे खास 0.7 थे वहाँ बैठने लगे। कोई दिन 20, कोई दिन 30, कोई दिन 40, कोई दिन 80, कोई दिन 100, और कोई दिन तो 100 से भी अप ज्यादा वहां 0.7 बैठने लगे और रात्रि को चर्चा की अर्चा करने लगे। और क्या चर्चा करें ने, ध्यान से सुनिए, 8वें पहर का प्रसंग मैं यहाँ ही जोड़ रही हूँ। क्या चर्चा करेंगे, जो कल हो चुकी हमारी 6ठे पहर में पूरी चर्चा जो श्री जी ने की है ये हो चुकी है। यही चर्चा रात्रि को 0.7 जो 80, 100 से भी और ज्यादा बैठे हैं वो चर्चा की अर्चा करेंगे। और ये चर्चा में कोई कोई निष्ठाबंद भी आने लगे रोज, और कोई कोई बस थोड़े दिन आते थे रात को, फिर अपनी अपनी शयन के स्थान पर वो सो जाते थे। और धामधनी जब लेटे हैं ना अपने शयन पलंग पे, तो वहां सोए नहीं है, सुंदर साथ की चर्चा सुन रहे हैं। और क्या कहते हैं मुरलीदास भाई को, क्या कहते हैं, हे मुरलीदास भाई आप मेरे पास आइए। और दिन को जो सुंदर साथ जी ने श्री जी को फूल माला पहनाई है ना, कलगी सब फूल की, ये अपने पास रखी है और मुरलीदास भाई को आवाज लगाई तुम लेके जाइए। और जो सुंदर साथ रात्रि को जयंती काका की कोठरी के पास बैठे, उसको बांट बांट कर प्रसादी के रूप में किसी को एक फूल, किसी को दो फूल, ऐसे कोई किसी को पंखुड़ी ऐसे देकर आप सब सुंदर साथ को प्रसादी के रूप में देकर रिझाइए। तब मुरलीदास भाई इस सेवा का पालन करते हैं। और श्री जी की ऐसी कई ब्रह्म लीला सुंदर साजी सुंदर साथ के साथ वहां होती रही। और तब तक 3 बजने वाले, कितने 3 बजने वाले हैं। और इत कई भात बिहार की बाता होए विवेक, सो मेरी इन जुबा कहती कहू ना आवे रसना एक। हे सुंदर साजी, ऐसे श्री जी द्वारा सुंदर साथ के साथ होने वाली ब्रह्मलीला अनेक प्रकार से विवेक पूर्ण बातें होती रही। परम धाम की अवलौकिक लीला का वर्णन भी होता रहा, सुंदर साथ सुनते रहे। और यहाँ महामती जी कहते हैं कि मैं अपने जिह्या से मैं कैसे वर्णन करूं, वो तो अपरम पार थी। एक शब्द का मैं सत्य यथार्थ भाव में यहाँ इस झूठी जुबान से वर्णन नहीं कर सकती। महामती कहे मोमिनो ये 7वें प्रहर की बीतक, अब कहो पहर 8वां ताकि सुनो सिफत। हे सुंदर साथ जी, ये मैंने तुमको 12 से 3 बजे तक ये 7वें पहर की बीतक कही। अब आप आगे सुनिए 3 से 6 बजे तक की 8वें पहर की बीतक, ये उसकी महिमा कितनी अपरंपार है, ये आप आगे सुनिए। अब कहूँ पहर 8वां सिराज पोड़े पलंग पर, बानी धाम धनी की गर्जत सब ऊपर। यहाँ धाम धनी क्या बता रहे महामती के स्वरों में कि हे सुंदर साथ जी, मैं आपको अब 8वें पहर की बीतक बताने जा रहा हूं। और जो प्रातः 3 से 6 बजे तक का जो वर्णन करना है। और धामधनी अपनी शैया पर अभी लेटे हैं, अभी उठे नहीं है। और आगे क्या बताइए चौपाई में कि धामधनी ने ये जो वाणी दी, ये ब्रह्म वाणी तारतम वाणी, ये तारतम वाणी का जो ज्ञान है ने, ये इस संसार में सतयुग से लेकर सृष्टि के प्रारंभ के सतयुग से लेकर 4 वेद, 6 दर्शन शास्त्र, 108 उपनिषद, पुराण और अन्य धर्म ग्रंथ, चाहे माय स्वतंत्र हो, पुराण संहिता हो, हरिवंश पुराण हो, बुद्ध गीता हो, बुद्ध स्तोत्र हो, महाभारत गीता, जो भी रामायण और 18 पुराणों वाला भागवत हो, तो आगे क्या बताया, ये सब धर्म ग्रंथों के ज्ञान के ऊपर ये तारतम वाणी, ये कलश के रूप में, कलश के ऊपर भी ध्वजा के रूप में कैसी सुशोभित हो रही है और पूरे संसार में ये गर्जना कर रही है, पूरे संसार में ये गर्जना कर रही है धामधनी की वाणी। और आगे परिक्रमा ग्रंथ के 2 नंबर के प्रकरण ब्रह्म सृष्टि लीजियो संज्ञा, यही है अपना जीवन, ब्रह्म सृष्टि लीजियो, उसकी 2री चौपाई ध्यान से। शास्त्र शब्द मात्र जो बानी, ताको कलश बानी शब्दातीत, ताको भी कलश धरु अखंड को, तापर ध्वजा धरु तीन थे रहित। शास्त्र शब्द मात्र जो बानी, ये शास्त्र की जो वाणी है ये तो मात्र शब्द के रूपों में है, और उसी के आगे ताको कलश बानी शब्दातीत, तो उससे आगे नारायण से आगे जो कलश के रूप में ये बेहद की वाणी आई है, अखंड ब्रज और रास, और उसके आगे ताको भी कलश धरु अखंड को, उससे आगे ये परम धाम से ये तारतम ज्ञान की वाणी आई है, और उसके आगे तापर ध्वजा धरु तीन थे रहित, तो ध्वजा के समान परमधाम के हकीकत के स्वरूप में 25 पक्ष की जो लीला है और जो शोभा रूप सर्व सामग्री है ये सब ध्वजा के समान सुशोभित हो रही है। तो यहाँ भी पहली चौपाई में क्या बताया कि सब धर्म ग्रंथों के ऊपर ये ब्रह्म ज्ञान आया है, और उसी समय गाने वाली बारी भी आ जाती है। देखो उसी समय भी बारी, तो अभी कितने बजे? 3, ठीक है, 3 बजे के बाद की ये लीला प्रारंभ हो गई, तब भी गाने वाली बारी आ गई। और ये जो तारतम वाणी है ने, ये वाणी गर्जत माज संसार, खोजी खोज मिटावे अंधार, मूढ़ मति न जाने विचार, महामति कहे पुकार पुकार। ये वाणी सुख शीतल करो संसार, पूरे संसार को शीतल करने के लिए, पूरे संसार को अखंड करने के लिए ये वाणी आई है। तो यहाँ जो गाने वाली मंडलियाँ अपनी बारी के समय समय पर अवसर मिलता है तो वो गाने के लिए मंडलियाँ आ जाती है, और सुमधुर स्वरों में वो अपना भाव व्यक्त करती है, और श्री जी ये वाणी गाने वाली बारी का भी सुनते हैं। और ये वाणी 14 लोकों को अखंड मुक्ति देगी। और आगे धामधनी ने बताया कि वाणी इस संसार में आई, ये वाणी इस संसार में आई तो इस संसार ने क्या पाया, क्या मिलेगा इस ब्रह्म वाणी से। अभी मैं बात कर रही थी सुंदर साथ के साथ कि सुंदर साथ जी, आज हम देख रहे अफगानिस्तान का, ठीक है, न्यूज़ पे सबको पता, मैं ज़्यादा नहीं करूँगी क्योंकि सब बहुत लोग सुन रहे हैं ना, लेकिन आज कुरान के नाम पर वो कितने मतलब वो कर रहे हैं, ठीक है, और उसका बातूनी भाव किसके पास आया है? सनंद, खुलासा, मार्फत, क्यामत हमारे पास। और हमारे समाज को क्या कीमत है उसकी। हजारों लोग कुरान के नाम पर मर फिट रहे आज, और हमको ये मिला है, आज हम क्या कर रहे हैं। इस वाणी को हमारे समाज ने कितना समझा, मूल्य ही नहीं आंक पाए। मूल्य कैसे आंक पाते, वैसे तो कोई तारतम वाणी का मूल्य आंक ही नहीं पाते, लेकिन आज वाणी के बदले हम भागवत का प्रचार प्रसार और किसे कहानियां और इधर उधर का प्रसंग, क्या इससे आत्मा की जागनी होगी। ये वाणी की महत्ता तो देखो कितने चौपाई में धामधनी ने बताई है, और रोज हमने आज 28-30 दिन तक ये महत्ता को धामधनी ने गाई भी है। यह बताया कि वाणी सुनने की ताकत त्रिगुण में भी ना होई, जो इस ब्रह्मांड के मालिक ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं सुन पाए। इस ब्रह्मांड के इस श्रेष्ठ व्यक्ति और तो कौन है। और धामधनी ने रास ग्रंथ के पहले प्रकरण में बता दिया, तापर में शुक सनकादिक को नवटड़ी, ये माया ने तो नहीं सुनने दिया, शुक सनकादिक को नवटड़ी लक्ष्मी नारायण ने फड़ी वड़ी, ये ऊपर हमें शू कहो बीजा नाम थे। तो यहाँ धामधनी यही बता रहे कि जो त्रिगुण नहीं सुन पाए, तो उसको मानने वाले संसार के जीव को कैसे पता चलते। और आगे माहेश्वर तंत्र के अंदर सुंदर साथ जी शंकर जी पार्वती जी को क्या कहते हैं कि जो मैंने तुमको अवलौकिक, कहाँ, अमरनाथ की गुफा में अवलौकिक ये ब्रह्म ज्ञान दिया ने, लेकिन वो सुन नहीं पाई, तब सुन नहीं पाई। बाद में क्या बताया कि जो मैंने तुमको ये अवलौकिक ज्ञान जो दिया है ना, जब अमरनाथ की गुफा में ले गए तब थोड़ी ये सुन पाई है, हद की बात चलती रही तब तक तो सुना, बेहद की आई तब तक तो नींद आ गई ना पार्वती जी को। लेकिन बाद में यहाँ माय स्वतंत्र में बताया कि जब बेहद का ज्ञान दिया तब शिव जी ने बोला कि हे पार्वती जी, ये ज्ञान में जो तुमको दे रहा हूँ ने, ये गणेश और कार्तिकेय को भी नहीं सुनाना, क्योंकि ये अखंड अवलौकिक ज्ञान है। ये तारतम्य वाणी बाद में पूरे संसार में फैल जाएगी। और ये तारतम्य वाणी सुंदरसा जी किसने भेजी और किस लिए भेजी? ध्यान से, ये तारतम्य वाणी पहले तो भेजी किसने, किस लिए भेजी और किसके कारण यह वाणी भेजने का कारण बना और किसकी मेहर से यह वाणी यहाँ आई। तो ये वाणी किसने भेजी? मूल स्वरूप अक्षरातीत ने अपना आवेश स्वरूप से महामती के धाम दिल में बैठकर ये जबराइल के जोश के माध्यम से प्रस्तुतिकरण हुआ। और किसके लिए? हम सब ब्रह्मात्माएं इस संसार में आई तब तो धामधनी आए, तब तो यह वाणी भेजी। और इतना नहीं, और यह मेहर किस पर हो रही है वाणी की? ये वाणी की मेहर किस पर हो रही है? हम संब सुंदर सात पर। ठीक है, पीछे तो पूरे संसार को, लेकिन ये वाणी का रस पहले कौन पिएंगे? ये वाणी का रस पहले कौन पिएंगे? हम ब्रह्मात्माएं तो पिएगी। तो हमने भी अभी पूर्ण रूप से नहीं पिया, तो बाद में तो ये तो फिर हंसी तो होगी हमारी, बाद में तो पूरा संसार ये पिएगा। और आगे बताया कि ये मेहर हम ब्रह्मात्माओं पर हुई, ये अनुपम अवलौकिक ये ब्रह्मवाणी। जब धामधनी लेटे हैं, अभी सोए नहीं है, लेटे लेटे ये ब्रह्मवाणी सुंदर साथ जो चर्चा की अर्चा कर रहे हैं, धामधनी सुन रहे हैं। और सुनते सुनते दिल में इतना प्रेम भर जाते, आनंद कि अरे देखो मेरे लाडले सुंदर साथ, ये रात्रि के 3:30-4 बजने वाले हैं, 9 बजे से बैठे अभी चर्चा कर रहे हैं आपस में, अभी नहीं सोए हैं। तो धामधनी इन सुंदर साथ को देख के खुश तो हो गए ने, अंदर से आनंदित तो हो गए ने। यहाँ क्या बताया कि धामधनी लेटे लेटे इस वाणी को सुन रहे हैं और आंखों में नींद तो, धामधनी की आंखों में नींद तो है ही नहीं, और थोड़ी बस हल्की सी झपकी ले लेते हैं। और बाद में फिर वाणी सुनने के लिए अंदर एकाग्रता में हो फिर सुनने लगते हैं। और जब सुंदर साथ चर्चा की अर्चा कर रहे हैं ना, तब कोई आगे पीछे बोल दिया, वाणी का भाव आगे पीछे बोल दिया। तो श्री जी जहाँ लेटे थे ना, वहां से क्या बोले, अरे सुंदर साथ जी तो वाणी आगे पीछे क्यों ऐसे बोल रहे हो? तो सुंदर साथ जी ने क्या बोला कि धामधनी हमसे गलती हो गई। तो देखो राजी सोए नहीं है, तब तो बोला कि सुंदर साथ जी तुम वाणी का आगे पीछे वर्णन कर रहे हो, ऐसे अशुद्ध वाणी क्यों उच्चारण कर रहे हो? देखो पूरे भाव से आप चर्चा करिए अंदर। और इस प्रकार सुनते सुनते रात्रि बीतने में 4 घड़ी समय, मतलब 6 बजने में 1.5 घंटा बाकी रहा, तो 4:30 बज गए। कितने बज गए? 4:30 बज गए। उसी समय मुरलीधर दास भाई आए और प्रांत काल का स्वरूप सुनाने का समय हो गया, ऋतु सुनाने का समय हो गया, आरती का भी समय हो गया। और यहाँ मुरलीधर दास भाई ऋतु सुनाने के लिए श्री जी के पास आते हैं और सब सुंदर साथ को प्रणाम भी करते हैं और उसी समय पहले स्वरूप भी सुनाते हैं कि श्री राज सुंदर साथ जी, जो मैं एक दो पंक्तियाँ एक दो चौपाइया बोलूँ तब आप अपनी सुरता को मूल मिलाव में लेके जाइए। श्री राज श्री ठकुराणी जी प्रथम बहु में विराजमान भये, तिया कंचन रंग को सिंहासन, तिनके छे पाए छे डांडे, एक एक डांडे में 10-10 रंग जवेरों की झलकत है। तो ऐसे जब स्वरूप बोलने लगे तो जो सुंदर साथ कोई बंगला जी में बैठे थे, कोई लेट रहे थे, कोई उठ के सोच क्रिया देह क्रिया के लिए जा रहे थे, तो यहाँ स्वरूप बोला जा रहा है। और आगे उसके बाद आरती हुई, सुख को निधान जय जय, सुख को निधान, सुख को निधान जय जय, सुख को निधान मंगल आरती, सुख को निधान उठी बैठे सुख से जा श्री राज, उठी मीठे सुख सृजा श्री राज। यहाँ उठी बैठे सुख से जिया श्री राज, सुख को निधान जय जय, सुख को निधान मंगला आरती, सुख को निधान। तो सुबह को 4:30 बजे के बाद मंगला आरती हुई, स्वरूप भी बोला गया। और इसी समय लालदास जी ने विचार किया, अपनी जो शयन की जो बेड बिछे हुए थे, गद्दे बिछे हुए थे, वहाँ से उठ गए कि चलो अभी मेरे को ये स्वरूप आरती के बाद क्या करना है, व्रत कराना है। तो तब लालदास जी भी उठ जाते हैं और पहले ये व्रत का काम कहाँ चलता था? पहले व्रत का काम हंसे भाई के घर में। कहाँ चलते थे? पहले हंसे भाई के घर में चलते थे। और वहाँ कौन करवाते थे व्रत? परमधाम के 25 पक्षों में विचरण कौन करवाते थे? जयंती काका। अभी हमने नाम सुनाने जयंती काका की कोठरी के आगे सब चर्चा सुनते थे। 20-40 ये जयंती काका वहाँ व्रत का काम करवाते थे। और उसके आगे क्या वर्णन सुनवाते हैं धामधनी के, थोड़े दिन वहाँ चला और बाद में वृंदावन दासी के भाई के घर भी ये व्रत का काम चला। और उसी के बाद जब ये लालदास जी भी ये व्रत सुनाने लगे 25 पक्ष का वर्णन, और राज्य की मेहर थी लालदास जी पर तो वो भी व्रत सुनाने लगे। तो ये सब कहाँ तक चलता रहा? तो धामधनी ने यहाँ चौपाई बताई कि ये जो लो अज्ञारी रही तो लो बहुत चाह धरे, दिल बड़ो चाह धरे, फिर ठंडे पड़ते गए कहे लाल अंग ठरे। जब तक 11वीं सदी रही अर्थात विक्रम सन 1735 से 45 तक 11वीं सदी पूर्ण हो जाती है, तब तक सुंदर साथ के दिल में परमधाम के 25 पक्षों को सुनने की, इस ज्ञान को ग्रहण करने की बहुत ही दिल में उमंग उत्साह रहे। बाद में धीरे धीरे ये उत्साह कम होते गए। और आगे लालदास जी कहते हैं कि अब तो सुंदर साथ का दिल इतना शीतल हो गया एक एक अंग इतने शीतल हो गए कि परम धाम की व्रत का 25 पक्षों का वर्णन सुनने की किसी के अंदर चाहत ही नहीं रही। और बाद में सुंदरसा जी कहाँ तक चलता रहा, ईसा 540 कहानी तो 10 साल ये, और 12वीं सदी का अगला 30, तो यहाँ बताया कि पीछे का 30 साल तीसे सुष्ट विष्णु 100 बरसे प्रेमे पीरेगा शब्दों का सार। तो जो 12वीं सदी का प्रथम 30 साल उसमें ईश्वरी सृष्टिया जागनी का वर्चस्व रहा, उसी के बाद जो 12वीं सदी के अंतिम 70 साल थे वो जीव सृष्टि की प्रधानता रही, कर्मकांड की प्रधानता रही। और उसी के आगे क्या लीला होती है, और लालदास जी ने मकरंद जी को पुनः ये सुनाने की, ये व्रत सुनाने की सेवा दी दी, और मकरंद जी ने भी अंतिम ये सेवा लाल खान को दे दी। ऐसे ही बस परमधाम के 25 वृक्षों की व्रत का वर्णन चलता रहा। और आगे परमधाम की व्रत सुनने के लिए आगे कौन कौन सुंदर साथ वहाँ बैठ के, मैंने अभी बताया कि चर्चा की व्रत क्या, तो परमधाम के 25 पक्षों का वर्णन, तो आगे क्या क्या वर्णन होता है, ऐसे करके करते सुबह हो जाती है। सुबह मतलब अभी 6 नहीं बजे हैं, लेकिन ऐसे करते करते 5, 5:30, क्योंकि 4:30 बजे तो आरती स्वरूप ये व्रत का भी प्रारंभ हो गया। तो इसी समय व्रत का परमधाम का वर्णन कहाँ से शुरू होता है, तो यहाँ सुंदर साथ ये व्रत का रंग महल की चारों ओर की परिक्रमा से शुरू करते हैं। चारों ओर की परिक्रमा क्या क्या है ये मैंने कल बता दी थी कि प्रथम परिक्रमा में रंग महल, उसके आगे चांदनी चौक 7 वन अग्निखोणे से मरोर ले गए, तो पहले बटपीपल की चौकी, पीछे नीचे नूरबाग, ऊपर फुलबाग, फिर वायव्य कोने से मरोड़ ले गए तो लाल चबूतरा और ताड़वन और खड़ोकली। ये धामधनी ने देखो जो वर्णन किया था कल 6ठे पौर में, ध्यान से सुनिए, 6ठे पौर में जो वर्णन किया था, यह सुंदर साजी रात्रि को चर्चा की अर्चा के माध्यम से ये वर्णन कर रहे हैं। और फिर ये वर्णन करके फिर चांदनी चौक से सीढ़ी चढ़ के धाम चौक, धाम दरवाजा, अंदर 28 स्तंभ के चौक और 4 चौरस हवेली, प्रथम चौरस हवेली रसोई की और चौरस हवेली छोड़ के 5वीं गोड़ हवेली मूल मिलावे में लेके धनी जाते हैं। और वहाँ फिर क्या वर्णन होते हैं, पूरी मूल मिलावा की हवेली का वर्णन होता है, जो हमने बार बार कर दिया है, ठीक है, हमने ये वर्णन बार बार कर दिया है। उसमें चबूतरे पर कैसे थम्बों की शोभा, चंदरवा की शोभा, नीचे गीलम की शोभा, बीच में सिंहासन, सिंहासन पर युगल स्वरूप विराजमान है, उस चरण राज्य के चरण कमलों में हम 12,000 ब्रह्मात्माएं बैठी है, हमारे वस्त्र आभूषण, युगल स्वरूप के वस्त्र आभूषण, ये चर्चा सब हमने 2 दिन में सुन ली है। तो यहाँ ये वर्णन हुआ। और इसी के बाद फिर मूल मिलाप के वर्णन के बाद, वस्त्र आभूषण के वर्णन के बाद, फिर रंगमहल के छज्जे, सुनिए ये वर्णन नहीं हुआ, ये आज मैं फिर बता रही हूँ कि रंगमहल के जो पूर्व दिशा है उसमें भी 1500 मंदिर, पश्चिम में भी 1500 मंदिर, उत्तर में भी 1500 मंदिर और दक्षिण में भी 1500 मंदिर। तो कितने हुए, 6000 हुए, फिर गिरध में 6000 हुए, ठीक है। तो जो हमारे मंदिर के आगे, ठीक है, जो छज्जे और जो जरोखे बने हैं, जो शोभा बनी, बीच में जरोखे, फिर जालीदार दीवार, ऐसी जो फिरती शोभा बनी है जरोखे जालीदार दीवार की। तो यहां बताया कि छज्जे 33-33 हाथ के, चलो हिसाब की ओर तो नहीं जाएंगे, जो छज्जे बने हैं और मंदिर के आगे जरोखे जालीदार दीवार, तो ऐसे करके जो शोभा बनी है। तो यहाँ धामधनी ने क्या बताया कि फिर ये छज्जे, और छज्जे में जब हम जाते हैं ना तो आगे पूर्व में 7 वन की भी हम शोभा छज्जे से देखते हैं। ठीक है, कहाँ? पूर्व में। फिर दक्षिण में बट पीपल की चौकी, कुंज निकुंज वन, ये सब शोभा 8 सागर में नीर सागर तक की शोभा देखते। पूर्व में मेर सागर तक की शोभा देखते। पश्चिम में नीचे नूरबाग, फूलबाग, अनवन, दुबदुलीचा से दधी सागर तक की शोभा देखते हैं। और उत्तर में लाल चबूतरा, तारवन, बड़ोवन, मधुवन, महावन, पुखराज और अंतिम मधु सागर तक की शोभा देखते हैं। ऐसे 4 कोनों की भी शोभा देखते हैं। तो यहाँ क्या बताया कि छज्जों से हम क्या क्या शोभा देखते हैं, ये आगे वर्णन बताया। इन महलों की, फिर अंदर जो हमारे मंदिरों की शोभा बनी है, रंग महल में प्रथम भूमिका में क्या क्या शोभा विशेषता भी मैंने एक दिन बता दी है, और दूसरी भूमि की विशेषता, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, 8वीं और 9वीं भूमिका तक क्या क्या विशेष शोभा बनी है। फिर अभी 10वीं का वर्णन नहीं लेंगे, ये बाद में दामधनी बताएंगे। तो यहाँ आगे क्या बताया कि हे सुंदर साची, इस शोभा में डूबी है, और महलों के अंदर क्या क्या शीके, अलमारी, और अलमारी के अंदर आपके वस्त्रों की, आभूषणों की, एक कैसी कैसी शोभा बनी है। आप उन शोभा को दिल में धारण कीजिए। और उसके बाद फिर प्रथम भूम तो पहले बता दी, ध्यान से कनेक्शन करिए, प्रथम भूम तो बता दी। अब बोले कि सुंदर साथ जी, अपनी सुरता को दूसरी भूम में लेके जाइए। दूसरी भूम में क्या विशेषता है? प्रथम भूम में रसोई की हवेली और मूल मिलावा, दूसरी भूम में भूल भुलवनी और खड़ोकली, तीसरी भूम में आगे परसाल जरोखा, और चौथी भूम में नीरद की हवेली, 5वीं भूम में रंग परवाली सयन के मंदिर, 6ठी भूम में सुखपाल कप्तरवा, 7वीं भूम में 2 ताड़ी झूला, 8वीं भूम में 4 ताड़ी, 9वीं भूम में दूरदर्शिका। तहां तक की शोभा धामधनी ने बता दी। और फिर चारों दिशाओं का फिर वर्णन शुरू किया, क्योंकि कल धामधनी ने भी ऐसे वर्णन करवाया था। तो आज सुंदर साथ भी चर्चा की अर्चा में फिर चारों दिशाओं का कि क्या क्या, रंगमोल की दक्षिण दिशा में होज कोसा तालाब, 24 सांस का महल, उत्तर में पुखराज पहाड़, दक्षिण में माणे पहाड़, और वहाँ से लेकर फिर 8 सागर तक का, छोटी रांग, वन की नहर, छोटी रांग और बड़ी रांग तक का पूरा वर्णन किया। और उसके बाद फिर 9वीं भूम तक का, तो 9वीं भूम तक का तो वर्णन हो चुका था। फिर यहाँ बताया कि 9वीं भूम से 10वीं आकाशी में धामधनी लेके गए। कहाँ ले गए? 10वीं में कल बोला था ने, ये चौपाई भी, ये 10वीं भूम की चौपाई भी मैंने कल बोली थी। तो यहाँ 10वीं भूम में धनी ले गए, और 10वीं भूम से फिर धनी प्रथम भूमिका। बार बार देखो मूल मिलाव में ला रहे, क्यों? मूल मिलावे में हमारा मूल तन पर आत्म तन मां बैठा है, तो फिर मूल मिलावे में धनी लाए, और मूल मिलावे का वर्णन कर दिया। फिर राजी बोले कि चलो सखिया, मूल मिलावे से फिर मुख्य द्वार में जाइए। कहाँ जाइए? तो मूल मिलावे से बाहर निकले तो 3 सीढ़ी उतरे, फिर 1 मंदिर चले, फिर थम की आर आई, थम की आर छोड़ी, ध्यान से चितवन करिए, थम की आर छोड़ी, फिर 1 मंदिर चले, मंदिर की हार आई, फिर मंदिर से बाहर निकले दरवाजे से, फिर 1 मंदिर चले, फिर 1 थंब की हार आई। ठीक है, उसके बाद 4 चौरस सवेलियाँ शुरू हो गई। तो पीछे की चौथी छोड़ी, तीसरी, दूसरी और प्रथम रसोई की हवेली में हम आए। रसोई की हवेली से आगे 28 थंब के चौक में आए। 28 थंब के चौक के आगे धाम दरवाजे में, और रंगमोल को पीठ दे के पूर्व की ओर हमारा मुख है, पीठ हमने पश्चिम को दी है। और जब धाम चौक में खड़े रहेंगे तो सामने क्या दिखेगा? ये चितवनी हो रही है, क्या दिखेगा सामने? 7 वन दिखेगा। क्या क्या? आज आप बोलिए, मैं रोज बोलती हूँ, बोलिए मेरे साथ। केल, लिंबोई, अनार, अमरूद, जामुन, नारंगी और बट, ये 7 वन में देखो राजी बार बार परिक्रमा करवा रहे, और 7 घाट में लेकर चले। और फिर दूसरी परिक्रमा, तीसरी परिक्रमा, चौथी परिक्रमा, पांचवी, छठी और सातवीं, आठों सागर, आठ जिमी, और ऐसे ही बाद में परिक्रमा पूर्ण की, परम धाम का वर्णन पूर्ण किया। और पिछला एक पहर बाकी रहा, कितना रहा पिछला? यहाँ नहीं, यहाँ तो हमारा रात्रि का पहर बाकी है। क्या बाकी है यहाँ? लेकिन वर्णन में राजी वर्णन में बता रहे, देखो दोनों चीज साथ में चल रही है। वर्णन में राजी, वो वर्णन पूरा किया, ठीक है। और वहां बंगलाजी दरबार में क्या समय चल रहा है? 3 से 6 बजे के बीच का, ठीक है। और यहाँ फिर राजी जो परिक्रमा जहाँ खत्म हुई ने, उसी के बाद राजी ने क्या बोला कि तुम्हारा ये समय जब पूर्ण हुआ तो 3 बजे हम कहाँ जाते? नीले न पीले। जब पाछला पहर, ध्यान से सुनिए, पाछला पहर एक दिन का बाकी है 3 से 6 बजे का, तब हम रोज नीले न पीले मंदिर में जाते हैं और राजी को क्या पूछते हैं कि राजी आज किस घाट में लेके जाओगे? तब धामधनी क्या बताते हैं कि सुंदर शाह जी आज तो पाट के घाट जाएंगे। और वहां जब पाट के घाट की बात हुई और फिर 5वीं भोग में रंगपरवाली मंदिर में शयन काल तक की बात हुई। और उसी के बाद वहाँ प्रातः काल उठकर फिर हम तीसरी भूमिका में आए, तीसरी भूमिका की परसाल में विराजमान हुए। और उसके बाद तीसरी भूमिका की परसाल में युगल स्वरूप के भोजन और विश्राम भी हुए। और इसी समय सखिया आपस में मिलकर फिर राजी परमधाम की लीला का वर्णन करवाते हैं कि क्या क्या बाद में लीला होती है। तब सुंदर शाह जी ये क्यों बताया कि तुम रोज, तुम्हारी अनादि काल से ऐसी लीला चलती थी, तो ऐसी लीला चलते 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 रोज प्रेम के विवाद, इश्क के मीठे झगड़े चलते थे। एक दिन आपने क्या बोला कि धामधनी इश्क के रबद सिर मेर पहुंचा। और आगे हमने खेल मांगा और अक्षर ब्रह्म ने क्या मांगा कि मेरे को ये रंगमहल के अंदर की प्रेम और आनंद की लीला को देखना है। तो राज जी ने हमारी इच्छा पूर्ण करने के लिए सबसे प्रथम ब्रज में भेजे। बार बार याद क्यों दिला रहे कि तुम वो रबद को याद करो, वहां ये शब्द गूंज रहे। क्या? अलस तो बेरब कुम, जो बोले मैं तुम्हारा स्वामी नहीं हूं, तब हमने क्या बोला था? बल्ले अवश्य आप हमारे स्वामी हो। तो ये याद दिलाने के लिए धामधनी बार बार ये वर्णन कर रहे। और ब्रज में हमारी 11 साल 52 दिन तक की लीला हुई। और उसके बाद हम रास में आए और रास में एक अखंड महारास रात्रि हमारी रास लीला हुई। उसी के बाद मूलतन परम धाम में हम जगे और वहाँ जाके फिर यही रबद लेके बैठ गए। फिर यहाँ तीसरे दिन में मोहम्मद साहब आए, चौथे दिन में सतगुरु धनी देवचंद्र जी आए और 5वें दिन में श्री प्राणनाथ जी। और ये तारतम वाणी उतरी और 25 पक्षों का ज्ञान यह हमारे लिए धामधनी ने उतारा। और ये बीरत श्री राज सुनत है, ये बीरत श्री राज सुनत है। तब होत अरुण उदय, सब सेवा में सन्मुख हुआ प्रातः का समय। श्री जी परम धाम की, देखो श्री जी ये सुंदर साथ द्वारा कही हुई परम धाम की वृत्त सुनते रहते। धनी लेटे हैं लेकिन नींद आई नहीं है। तब तक, कब तक लेटे हैं? पूर्व दिशा में जब लालिमा छा जाती है, कब? प्रातः काल को। उसी समय धनी सेज से उठने की तैयारी करते हैं। और इसी समय जो सुंदर साथ धनी की सेवा में आने वाले हो, पहले ही उपस्थित हो जाते हैं। महामती कहे मोमिनो, ये आठों पहर की भी तक अब स्वरूप साथ को देते सो कहूँ शोभा हक। श्री महामती जी कहते कि हे साथ जी, श्री पद्मावती पूरी धाम में सुंदर साथ ने, कौन थे सुंदर साथ? हम सब सुंदर साथ। श्री प्राणनाथ जी को एक अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म सचिदानंद स्वरूप में पहचान करके ये आठों पहर 64 घड़ी दिल में अनंत प्रेम भरकर अटूट निष्ठा और श्रद्धा के भाव से आठों पहर राज्य को रिझाया, उसका वर्णन आपने आज 3 दिन से आप सुनते आ रहे हो। वैसे तो 400 साल से हम हमारी परंपरा में सुनते आ रहे हैं। अब क्या करना है? इसी राह पर चलना है। और उन्होंने फिर क्या किया? धामधनी ने अपनी बाह्य लीला को, प्रत्यक्ष हो रही थी इन लीला को, छिपा लिया और 6ठे दिन में अब हुक्मे द्वारा खोलिया लिया अपने हाथ हुक्म, मोमिन दिल आए के अर्ज कर बैठे खसम। तो 6ठे दिन में सब हम ब्रह्मात्माओं के धाम दिल को अर्श बना दिया, धाम बना दिया। और 6ठे दिन में जो जागनी लीला शुरू हो गई, और 6ठे दिन में ये जागनी लीला में कौन कौन सुंदर साथ सेवा संभाल रहे, उसमें पहले 36 कारखानों की सेवा है और बाद में गर्मी के ऋतु की, क्योंकि सर्दी की ऋतु, जाड़े की ऋतु की सेवा पहले आ गई। तो यहाँ दिन आठों पहर की कई बीरत जो ये 3 कारखाने सेवी कऊ साथी सब सेवन के। हे सुंदर साथ जी, मैंने तुमको पद्मावतीपुरी धाम में सुंदर साथ ने श्री जी को अक्षरातीत मानकर आठों पहर जो रिझाया ये वर्णन मैंने तुमको कर दिया। अब अलग अलग विभागों में जो सुंदर साथ सेवा करते हैं उसका मैं वर्णन कर रहा हूँ, आप ध्यान से एकाग्र चित्त से सुनिए। तो यहाँ जो सेवा हो रही थी, जो सेवा हो रही थी, ये सब व्यवस्था, उसका उत्तरदायित्व कौन संभाल रहे थे? पहले गरीब दासी संभाल रहे थे। फिर जब हम रामनगर पहुंचे तब गरीब दासी बार बार श्री जी को विनंती करते थे, क्या कि हे धामधनी, मेरे से इतने सुंदर साथ की सेवा संभाली नहीं जा रही है, आप ऐसा करिए न, ये सेवा दूसरे सुंदर साथ को दे दीजिए। तो तब लालदासी ने संभाली, लेकिन क्या हुआ? लालदासी को औरंगजेब बादशाह को गड्ढे से संदेश देने के लिए जाना हुआ और पीछे से क्या फाल निकला? साक्षी निकली कुरान के अंदर कि भाई साकुंडल मिलने वाली है 6 साल, और ये संदेश देवकरण जी के माध्यम से 6 साल जी तक मऊ में पहुंच भी चुके थे। तो यहाँ श्री जी ने लालदास जी को कहाँ भेजा? 6 साल जी के वहाँ मऊ में, कि जाओ तुम उसको निष्कलंक बुद्ध स्वरूप में भागवत के वचनों से या और धर्मशास्त्रों के वचनों से समझाओ। तो जब लालदासी गए, हमने सुन लिया ये गढ़े और रामनगर की बितक में, तब वहाँ गए, छत्रसाल जी ने धर्म ग्रंथों को लेकर चर्चा की, छत्रसाल जी को विश्वास आ गया। तो फिर लालदासी को संदेश देने के लिए जाना नहीं हुआ, तो यहाँ लालदासी ने ये सेवा संभाली। और श्री जी ने क्या कहा कि हे लालदासी, ये सब अलग अलग विभागों की कुंजी चावी मैं तुमको देता हूँ, ये उत्तरदायित्व तुम्हारे सिर पर मैं देता हूँ, तुम पूरी तरह मेरे आदेश का पालन करना और ये सेवा संभालना। तो ऐसे सुचारू रूप से ये 36 विभाग की सेवा लालदासी संभाल रहे हैं। और उसके निर्देशन में नीचे और सुंदर साथ को भी सेवा सौंप दी गई, और सुंदर साथ भी जिन जिन सुंदर साथ को सेवा दी गई वो भी आवश्यकता अनुसार, क्योंकि बंगलाजी दरबार में 5000 की जमात है, किसी को क्या चीज की जरूरत, किसी को क्या चीज की जरूरत। तो यहाँ लालदासी ने जिन जिन सुंदर साथ को सौंपा था, नीचे अंदर में वो निर्देशन करते रहे। सुंदर साध्वी आवश्यकता अनुसार सेवा करने लगे। और लालदास जी श्री बाई जी के वस्त्र आदि आवश्यक और वस्तुओं की पूर्ति के लिए लालदास जी स्वयं सेवा करते थे और बाई जी से जाकर स्वयं पूछते थे कि आज आपको क्या चाहिए, क्योंकि लालदास जी ने परमधाम की श्यामा के स्वरूप ने, श्यामा जी के स्वरूप में पहचान कर ली थी। तो हर सुंदर साथ पल पल परमधाम के युगल स्वरूप के रूप में रिझाते थे। श्री बाई जी और अन्य सभी सुंदर साथ को वस्त्र आभूषण आदि की व्यवस्था स्वयं लालदास जी करते थे। प्रतिदिन वो नए नए भाव से प्रेम पूर्वक सेवा करे। ऐसे नहीं कि अंदर आनंद नहीं आता है और फॉर्मेलिटी की कर दे, ऐसा नहीं, क्योंकि यहाँ तो धाम के धनी ने सेवा सौंपी है और परम धाम के सुंदर साथ यहाँ मिले हैं, तो कैसे सेवा करनी चाहिए ये लालदास जी ने हमको एक प्रेरणा दी। और लालदास जी हमेशा इस बात का ध्यान रखते थे, किस बात का, कि सुंदर साथ को हर प्रकार की जो भी साग सब्जी की या अनाज की जो भी आवश्यकता अनुसार ये सब मेवा मिठाई की ये सब सीधे ही तत्काल ये चीज को पूर्ण करते थे। और वहाँ 5000 की जमात में गुरुस्थी लोग भी थे और विरक्त लोग भी थे, तो दोनों को अलग अलग चीज की यहाँ सरगुण निर्गुण लिए है, मतलब गुरुस्थी जीवन वाले और विरक्त जीवन वाले, तो सब को क्या क्या चीज की जरूरत पड़ती है लालदास जी अपने निर्देशन में और सुंदर साथ के माध्यम से सेवा करवाते थे। और सारी व्यवस्था का निर्देशन करते हुए भी, सारी व्यवस्था का निर्देशन करते हुए भी लालदास जी श्री जी से एक पल दूर नहीं जाते थे। सुंदर साथ जी हम तो कितनी सेवा संभालते हैं तो भी बोलते अरे क्या करे, थक गए, समय नहीं मिलता, काम का बोझ रहता है, कैसे आवे, चलो ना आज समाप्ति का दिन है तो एक अंतिम दिन चले जाए, थोड़ा ज्ञानपीठ को लेकर हम कॉल भी पूरा कर दे, तो हम कोई अंतिम दिन आए, कोई बीच में एक दो दिन आए, कोई ऐसे सुंदर साथ रहे निष्ठाबंद भी आए, तो ये सब कुछ राज जी ने बीतक के माध्यम से एक बात ऐसी नहीं रखी कि उसमें नहीं लिखी हो। ये हमारी बीत तक तो है, ये लालदास जी की, श्री जी की या और सुंदर साथ की थोड़ी है, हमारी तो है। वो सुंदर साथ ने तो 400 साल पूर्व चल के दिखाया, करके दिखाया, ये अभी हमको चलना है इस राह पर, प्रेम की परमधाम की राह पर। और आगे धामधनी क्या बताते हैं, जो अलग अलग विभागों में सुंदर साथ को संभालने की जो सेवा थी, उत्तरदायित्व था, उसकी जो बही खाता, उसका बही खाता था, रोज की रोजनीसी लिखने की सेवा घनश्याम भाई करते थे और धर्मदास भाई खजाने की सेवा संभालते थे। और उसी के साथ संतदास, चतुदास, मानिक भाई, कल्याण, ये सब सेवा में शामिल रहते थे। भिखारी दास भी सेवा में शामिल रहते थे। और कपड़ा मकरंद भाई, किसके, श्री जी के लिए, क्योंकि लालदास जी ने अपने निर्देशन में और सुंदर साथ को सेवा सौंप दी थी ना, तो मकरंद भाई श्री जी की सेवा के लिए ऐसे हाजिर रहते थे। और कपड़े की सेवा मकरंद भाई हमेशा प्रेम पूर्वक करते थे। कोई बार खेमकरण जी भी, लालदास जी भी इन सेवा में शामिल रहते थे। पहले नारायणदास जी भाई ये कपड़ा बांटने की सेवा करते थे और धामधनी के हुक्म से रोज इस सेवा में पूरा भाव रखते थे और सबको प्रेम पूर्वक कपड़े देते थे। ऐसे नहीं कि मुंह इधर घुमा लिया, फेर लिया और सेवा करे, ऐसे नहीं, परमधाम के प्रेम के भावों में डूबकर सेवा करते थे। और खेमकरण जी भी सेवा करते थे ने तो अपनी आत्मा के सुख के लिए करते थे। और अंतिम बताया कि महामती कहे मोमिनो ये साथी सेवा के कहो केता अजू बहो थे जिन प्यारे चरण धनी के। श्री महामती जी कहते हैं कि हे सुंदर साथ जी, ध्यान से, हे सुंदर साथ जी, मैंने जो सेवा करने वाले सुंदर साथ का नाम लिया ने वो तो बहुत कुछ थोड़े ही सुंदर साथ का नाम लिया। कहाँ से? जब पहली चौपाई से लेकर अंतिम तक, कहा अब फेर के कहूं मूल मिलावे की बीतक से लेकर, वैसे तो भविष्य पुराण में राजा का जुगचार वो चौपाई पे लिए, लेकिन वहां से लेकर ये अंतिम चौपाई तक मैंने जो नाम लिया वो तो मैंने थोड़े, क्योंकि ये एक मर्यादा है ग्रंथ के अंदर की भी सीमित है, तो क्या करूं, बहुत कुछ सुंदर साथ का नाम लिया बताया, लेकिन मैं करूं तो कितना वर्णन कर पा रूं। ये झूठी जुबान, झूठा शरीर, ये तो परमधाम की आत्मिक भाषा से, वहां की जुबान से होगा। और ये सेवा तो वही सुंदर साथ कर सकते हैं। धाम धनी की सेवा में समर्पित सुंदर साथ जो है ने उस पर राज्य की मेहर बरस रही है। और जिसके दिल में ये सेवा का भाव रहता है, प्रेम रहता है, वही एकमात्र राज्य की सेवा कर सकते हैं। और आगे गर्मी के दिनों की सेवा, पहले हमने जाड़े की, सर्दी की ऋतु की सेवा देख ली, तो गर्मी की ऋतु के सेवा में कौन कौन सुंदर साथ शामिल रहते हैं? तो यहाँ बताया कि तभी ऐसी टेक्नोलॉजी, कोई पंखा, एसी, कूलर, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। और मैंने एक दिन बताया था कि बंगला जी ऐसा कोई सीमेंट वाला ये दीवार जो आप खिड़की सब देख रहे हो, ऐसी सुविधा आज से 400 साल पूर्व नहीं थी। तभी घास फूस का पूरा बंगला जी बना था। और अभी ये वर्णन आप देखेंगे तो तभी पानी का छिड़काव, दीवार, ये सब वर्णन आप। तो गर्मी के दिनों में बंगला जी दरबार में जो सेवा होती थी, कैसे? तो बताया कि पूरे बंगला जी दरबार को सुगंधित और शीतल बनाने के लिए हर प्रकार की सेवा की व्यवस्था वहाँ की जाती थी। और जो जितने फूल है ने वो फूल में जो प्रमुख जाति के फूल है उसी के इत्र और गुलाब जल से भरे हुए मटके भी वहाँ मंगाए जाते थे। और इत्र और जो सुगंधित पदार्थों की रखने की सेवा गंगा राम करते थे और अपने नियंत्रण में रखते थे। फिर जो सुंदर साथ को जरूर पड़ती थी, बंगला जी में छिड़काव करने के लिए पानी तब उसके अंदर डालते थे, तो पूरा बंगला जी सुगंधित हो जाता था। और आगे जो सुंदर साथ, गादर नाम का एक घास है, उस घास से, बांस की फटिया से दीवारें भी बनाई जाती थी। तो उस जो दीवार बनाने में कौन कौन सुंदर साथ है उसका भी धामधनी ने नाम बताया कि कौन कौन, गंगाराम, कृष्णदास, दयाल, मोहम्मद खान, ये सब। और दीवाल खड़े करते थे और दीवाल में बढ़ई की जरूरत पड़ती थी, तो उसी समय मोहन भाई और हीरामन भाई भी इसी समय आ जाते थे। और बुलचंद भाई भी जो जैनी बुलाते थे, बोलो प्राणनाथ, वो भी बुलचंद भाई भी आ जाते थे। और पूर्वी के सुंदर साथ यहाँ सरसावा, सरहानपुर, अंबाला से आते हैं ना, यहाँ भी बताया कि कोई पूर्वी के सुंदर साथ जंगल से बांस की फटिया, लकड़ी काटते जो, उसके बाद ये फटिया बनाते थे और उसको सीधा और सुंदर बनाने में ये सुंदर साथ कौन थे? जगू और वीरजी को बुलाते थे। और आगे बांसों की फटिया बांधने के लिए लाल कपड़े की जरूरत पड़ती थी, तो वो कौन लाते थे? नारायण दास जी। तो ये सब सुंदर साथ सेवा करते थे। संपूर्ण बंगला जी में जल छिड़काव की सेवा कौन करते थे? इनायत खां भगवान और गंगाराम जी पूरे बंगला जी को पानी का छिड़काव करके थरबतर कर देते थे। और आगे श्री जी का बिछोना बिछाने की, देखो राज्य का जो सब सेवा हो गई, राज्य की जो सेवा है ना श्री जी की, वो सब सुंदर साथ के दिल में और अनंत भाव बन जाता और अलग भाव रहता कि अब मेरे धाम धनी की सेवा का ये भाव है, ये बारी आई है तो ये भाव मेरे अंदर अलग होना चाहिए। तो यहाँ श्री जी के बीछों ने बिछाने की सेवा में बिहारी दास सुंदर साथ रहते थे, और क्योंकि बिहारी दास जी ने प्राणना जी के स्वरूप की पहचान कर ली थी। और नंदराम जी छोटे छोटे पानी छिटकने के लिए ये छोटे छोटे कटोरे मंगवाकर पूरे बंगला जी में पानी, उसके साथ वल्लभ दास भी रहते थे। और आगे सेवा करने वाले सुंदर साथ पंखे भी, तभी ये पंखा नहीं था, विंजने से ये पंखे डुलते थे, और भी सुंदर साथ सेवा में पंखा जलते थे। और आगे गंगादास, गंगाराम, बिहारी दास, संत दास, ये चारों सुंदर साथ, ये चारों का विशेष नाम क्यों लिया? धनी की सेवा में विशेष रूप से खड़े रहते थे। इनके अतिरिक्त आगे सेवा बताई कि और भी बहुत सुंदर साथ है जो हमेशा श्री जी की सेवा में उपस्थित रहते थे, क्योंकि धाम धनी के स्वरूप की पहचान कर ली थी। उन सुंदर साथ का ये सौभाग्य था। और आगे लालदासी एवं मुकुंदासी, निर्मलदासी भी, सूरत के सुंदर साथ भी, ये सब सेवा में मग्न रहते थे और पूरा दिल से प्रेम से वो सेवा करते थे। इसी समय यमुना बाई, मानिक बाई भी श्री जी की सेवा में उपस्थित रहती थी। जो जो सेवा बंगला जी दरबार में होती थी उसी में स्वरूप दे सुंदर साथ महिला और पुरुष सुंदर साथ भी हाजिर रहते थे। और हकीकत खा श्री जी की सेवा के लिए, ध्यान से, श्री जी की सेवा के लिए गुलाब के इत्र एक शीशे की बोतल में, बर्तन में भर के भिजवाते थे कि ला लो, ये श्री जी की सेवा में इस्तेमाल करना है। और ये सेवा बाद में श्रीराज जी को पहनने के लिए वस्त्र, अलग अलग सुंदर साथ की सेवा। देखो पहले मकरंद भाई निकाल देते, फिर यहाँ वस्त्र में प्रेमदासी पहनाते थे, कौन वो निकाल देते थे मकरंद भाई, और पहनाते थे कौन? प्रेमदासी। और अंतिम नंदराम जी के पास ये सेवा चली गई। पुनः ये सेवा वल्लभ दासी के पास आई। वल्लभ दासी ने के ऊपर हर तरह की, वल्लभ दासी के ऊपर हर तरह की सेवा का उत्तरदायित्व था। वो खोज खोज के बस सेवा खोजते थे कि कहाँ से सेवा मिल जाए। तुम प्रेम सेवा से पाओगे पार, और मुक्ति सेवा तूने शु कहू, तू अंतर आडो टाल, अनेक विध सेवा तनी तूने उपज से तत्काल। तो यहाँ सुंदर साथ कैसी कैसी सेवा की है धाम धनी को रिझाने के लिए, और धाम धनी ने भी इन ब्रह्मात्माओं को रिझाने के लिए अपने दिल का अनंत प्रेम बहाया। ये सब सेवा आपने अभी तक अष्टपहर के बीच तक और इन दोनों प्रकरणों के माध्यम से सुनी। अंतिम इस समय पोरबंदर से आए माऊजी भाई, और ये सेवा क्या रखते थे अपने पास? ये पत्र, स्याही, और स्याही से पत्र लिखने की सेवा माऊजी भाई संभालते थे। आस बाई इन समय लागत है चरण, श्री राज हेत कर बुलावत, प्रसन्न होय के मन। यहाँ आसबाई जी, कौन है आसबाई जी? श्री जी आसबाई, आसबाई कौन है? श्री जी बंगला जी दरबार में आई बाई बुजरक ये बोलते थे ना, कौन है? लालदासी। सारी व्यवस्था पर ध्यान रखते हुए, दृष्टिपात करते हुए धाम धनी के चरणों में रहते थे, पल पल अंग संग रहते थे और आके प्रणाम करते थे। तो धाम धनी अक्षरातीत ने इन सेवाओं को देखा और बहुत प्रसन्न हुए लालदासी पर, और लालदासी को बहुत लाड प्यार से बुलाते थे, हे बड़ी बाई बुजुर्ग यहाँ आ जाओ, लाल आ जाओ। और अंतिम बताया कि महामति कहे सयन को, ये सेवा के कहे साथ, यहाँ आते ही खड़े रहे जाके धनिये पकड़े हाथ। महामति अपने स्वरों में कह रही, हे सुंदर साथ जी, अब तक मैंने प्रथम चौपाई से लेकर अंतिम चौपाई तक, समाप्ति तक, जिन जिन सुंदर साथ ने जो सेवा की, और कहां कहां से सुंदर साथ नगर नगर, ग्राम ग्राम, शहर शहर, देश देश हमारे साथ जुड़े। हमारे श्री जी कहां से निकले थे? जामनगर। वैसे जागनी का दौर तेजी से कहां से चला? दीव बंदर, नबी, पोरबंदर, पाटन, मंडई, खपई होते हुए ठट्ठा, लाठी, मस्कत, अबासी, फिर लाठी, वहां से ठट्ठा और आगे सुहाली, गोगा से होते हुए सूरत, सूरत, सिद्धपुर, मेरता, गोकुल, मथुरा, आगरा से दिल्ली, दिल्ली से उदयपुर, मंदसौर, उज्जैन, औरंगाबाद, रामनगर, गड्ढा, अगरिया, मऊ से होते हुए श्री जी पन्ना जी पहुंचे। और पन्ना जी में 11 साल, 10 साल से ऊपर, क्योंकि विक्रम सन 1740 में पहुंचे से हम पहुंचे थे, और वहाँ 1751 में श्री जी की प्रत्यक्ष लीला ओझल हुई। तो तब तक बंगला जी दरबार में जो 10 साल तक की 8 पहर 64 घड़ी प्रेममयी, आनंदमयी जो लीलाएं चलती रही, उस लीला में सुंदर साथ आशिक मासुक प्रिया प्रियतम कैसे आर परस्पर रिझाया। ऐसा नहीं कि हमने रिझाया, धामधनी ने भी रूह के अंदर इतना प्रेम उड़ेला। और इन सेवा में जो सुंदर साथ शामिल रहे, इन सुंदर साथ की तो बात ही क्या कहो। इन सुंदर साथ को संबोधित करते हुए आपने आज 32 दिन से आप अभी तक सुन रहे हो, तो आगे धामधनी ने बताया कि इतने प्रकरणों में मैंने इतने नाम दिए सेवा के सुंदर साथ का, और सुंदर साथ के नाम बताए, और धामधनी की सेवा वही कर सकते हैं। सेवा तो हुई, लेकिन वो सेवा वो सुंदर साथ कर सकते हैं कि जिनके ऊपर धामधनी की पल पल अपरंपार मेहर बरस रही है। और मेहर तो बरस रही है, राज्य उन ब्रह्मात्माओं को माया से निकाल कर, कैसे हाथ पकड़ कर निकाल कर अपना वरद हस्त इन मोमिनों पर रखे हैं। ऐसे ही सुंदर साथ ये सेवा को कर सकते हैं। तो ये धामधनी ने इन सुंदर साथ को जो अनंत प्रेम में डुबोया, प्रेम का आनंद के सुख में डुबोया, ये सुख हम सब रूहों को बस रोज, यहाँ ये समय अभी पूरा नहीं हुआ है, मिलते रहे। हम सुंदर साथ ये वाणी के माध्यम से हम डूबे, चितवनी में डूबे, और हमारी हमारा आत्मिक सुख ले, और यहाँ बैठे बैठे इत ही बैठे घर जागे धाम, पूर्ण मनोरथ हुए सब काम। जो हम परम धाम में राज्य के दिल की पूर्ण पहचान नहीं कर पाए थे, क्या कि राज्य का दिल ही परम धाम के 25 पक्षों में हकीकत के रूप में, एक एक कण भी राज्य का ही स्वरूप है, एक एक रूपी राज्य का स्वरूप है। ये पहचान हम परम धाम में नहीं कर पाए थे, इसलिए राज्य ने ये जागनी का ब्रह्मांड बनाया, हम सब रूहों को ये खेल दिखाया। और ले जाने के लिए अभी धामधनी गुम्मट जी दरबार में तय खाने में जुल्ले पर नूरी स्वरूप से विराजमान है। क्या कह रहे कि हे सुंदर साथ जी, अब आप आ जाइए, घर चलने के लिए आप तैयारी कीजिए। इतना कहकर बस वाणी को विराम देते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ। हम चौपाई दोहराए, महामति कहे सयन को, ये सेवा के कहे साथ, यहाँ ते ही खड़े रहे, जाको धनिये पकड़े हाथ। जाको धनिये पकड़े हाथ, बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम। सुंदर।